मैडम कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? क्या कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही हो फोन। अब फोन फोन साइलेंट पे था इसलिए। क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। देखो रिया, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ। या प्लीज तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, प्लीज। वो बात ये है शिवम कि नहीं, कोई भी बात नहीं। या प्लीज तुम्हें मेरी कसम है, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं, मुझे नहीं बताना। वो मैं तुमसे बात शेयर करूंगी, फिर तुम बात को गलत समझोगे और मुझे ही डांटोगे, इसलिए मुझे कुछ चैन नहीं। ठीक है, सुनो सुनो, आई प्रॉमिस यू मैं उसे गलत सेंस में नहीं लूंगा। बताओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ना तुमसे कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शेयर कर रही हूँ तुमसे। नमिता है ना, नमिता ने बंटी से 5,000 रुपए मांगे। नमिता ने बंटी से 5,000 रुपए मांगे? हाँ। लेकिन क्यों? पता नहीं, बंटी का फोन गलती से मेरे पास रह गया, तो उस पर मैंने मैसेज देखा नमिता का, और उसने लिखा था कि उसे 5,000 रुपए चाहिए। मैंने बंटी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बंटी ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, मुझे कुछ बताया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे वो लहंगे के पैसे मांग रही थी? नहीं शिवम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बंटी ने नमिता को मेरे सामने लहंगे के पैसे दिए। और अगर लहंगे की बात है तो मुझसे क्यों छुपाएंगे, वो तो नॉर्मल बात है। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि नमिता ने बंटी से उधार पैसे मांगे? देखो, सही सही तो मैं भी नहीं कह सकती कि क्यों पैसे मांगे, पर मैसेज देख के तो वैसे ही लगा। और बात पैसे उधार मांगने की नहीं, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम्हारे और मेरे होते हुए नमिता ने बंटी से पैसे क्यों मांगे। अरे हम उसकी फैमिली हैं, उसे अगर ऐसे पैसे की जरूरत थी तो वो हमसे मांगती ना, मेरी दोस्त से मांगने की क्या जरूरत थी, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। तुम फिक्र मत करो, मैं घर चल के उससे बात करूंगा। शिवम नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम नमिता से बिल्कुल बात मत करना, नहीं तो उसको लगेगा कि मैंने उसकी कंप्लेंट की और फिर वो मुझे गलत समझेगी और बात खराब हो जाएगी। प्लीज तुम मत करना, मैं उससे खुद बात करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम उसे बिल्कुल बात नहीं करोगी। अगर तुम उसे समझाने जाओगी तो वो तुम्हारी बात दिल पे ले लेगी और फिर नाराज हो जाएगी, तुम दोनों का झगड़ा होगा और मैं तुम दोनों को झगड़ते नहीं देख सकता। ध्यान से हैंडल करना, मुझे अब घर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, थक गई हूँ। आई प्रॉमिस। चलें घर। चल। शिवम प्लीज, बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करना, एक बार उससे पूछ लेना कि मैटर क्या है। प्रॉमिस किया ना मैंने तुम्हें। हाँ। चिंता मत करो फिर। तुम्हें जानती हूँ ना, इसलिए चिंता हो रही है। मतलब? तुम्हारा गुस्सा, जब तुम्हें गुस्सा आता ना तुम किसी की भी नहीं सुनते हो। अब चले। सरला फोन काहे ना ही उठा रही है, ये है ना लड़की, बहुत परेशान करती हमें, और हमें तो लगता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, सटियाती जा रही है। क्या कर रही है, काहे करती, कुछ समझ में ही नहीं आता। काहे नहीं फोन उठा रही रनिया? हाँ तो जिया बैठ जा रहा है। नहीं, हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले रनिया से, कह रही थी कि जीजी का फोन लगाने की कोशिश वो कब से कर रही है, लेकिन नहीं लग रहा है जीजी का फोन। माँ हो सकता है बुआ पूजा में होंगी, वहाँ पूजा करने ही तो गई है, और वहाँ तो भीड़ भी कितनी होती है। सरला उतनी पाठ पूजा वाली नहीं है कि हम आप फोन ना उठाए, कछु होनी ना हो गया हो। खुशियाँ तो शुरू कर दे महामृत्युंजय पाठ और
पंडित जी को फोन वाला लगा, उनको बोल के पाठ करवाए सरला के नाम का, रघुवा के नाम का भी करवा लो। फिर से किसी ने आगे बात नहीं कर लिया जीजी को? हमको भी चिंता हो गई अब तो। मां निम्मी कहां पर है? ऊपर अपने कमरे में होगी। क्या हुआ? ऐसे काहे पूछ रहे, कहां हो गया? अरे मां बताता हूं आपको मैं। शिवम प्लीज, मैं जाके बात करती हूं ना। तुम रहने दो, मैंने पहले भी मना किया ना तुम्हें। मैं जाके बात कर रहा हूं और ऊपर मत आना, ठीक है? अरे ऐसे काहे पूछ रहे शिवम? गुस्से में लग रहे थे ना। पूछिया पुलिस वाले को फोन लगा। ओ महामूर्ख महिला, हम जो कहते उत्ता कर, तू फिर से चाहती है कि सरला नहीं मिले? हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं अम्मा जी। तो क्या कह रहे? अरे मतलब हम ये कह रहे हैं कि हरिद्वार गई है ना। तू काहे जबरन कोतवाल बन रही है? फोन लगा। निम्मी। हाँ? इधर आ, बात करनी तुझसे। हाँ बोलो ना। अरे इधर आ, बात करनी तुझसे। क्या हुआ शिवम? क्या हुआ निम्मो को चिल्ला कह रहा है? बोलो। देख झूठ तो बोलना मत मुझे और सच सच बता मुझे। पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है। तूने बंटी से पैसे मांगे? ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? और वैसे भी ये तो बंटी थी और मेरे बीच की बात है। कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो तूने उससे पैसे उधार में मांग लिए? हाँ। भैया माना कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर से पैसे मांगेगी ना। तुझे अच्छे से पता कि वो रिया की दोस्त है। क्या सोची कि हमारी फैमिली के बारे में? वो तो अच्छा हुआ कि रिया ने फोन उठा लिया उसका। शिवम ये क्या है यार? हैं? हाथ उठाया तुमने उस पर? दादी अभी तक जिंदा है हम? हाथ कैसे उठाया तूने उस पर? अरे आज तक किसी ने लड़कियों पे हाथ नहीं उठाया और तेरा हाथ कैसे चला? उधर कहाँ देख रहा है हमारे सामने? देख, अरे आज तक कुछिया को हाथ नहीं लगाने दिया लड़कियों को? तेरी ही हिम्मत ने तुझे हाथ लगाया? निकल दूर से, बाहर निकल तू। दादी हाथ नहीं छोड़ेंगे हम। अभी तक उसका बाप उसको संभाल रहा है और तू मर गया। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। तो जब से इस घर में आई हो तब से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही है। आपने इस शांति सदन को ग्रहण लगा दिया है। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे क्यों गलत बना रही हो? मेरी गलती नहीं है। अरे गलती तो शिवम भैया की है कि उन्होंने आपसे शादी की है। आपने हम तीनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया है। बहुत बड़ी गलती कर रही हो। निमी तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। आप अपने बारे में सोचो कि आप क्या कर रही हो। तो क्या डर रही है? हाँ बिटवा ने ऐसा किया होता ना, उसका भी ऐसा ही हाल करते। सास फूल रही है आपकी। काहे मारा निम्मी को? काहे मारा? दादी आप मेरी बात तो सुन लीजिए, जान तो लीजिए मैंने मारा क्यों इसे। ठीक है मानता हूँ कि मेरा हाथ उठाना इस पे गलत था, लेकिन जो इसने किया वो भी तो गलत किया ना इसने। तो कान करके आई है? अच्छा कर चला है छोटी रानी? दादी वो हुआ जो रिया की दोस्त है ना बंटी, अमिता ने उससे पैसे उधार मांगे।
नहीं दादी, मैंने कोई पैसे उधार नहीं मांगे। दादी से ने पैसे उधार मांगे बंटी से। मुझे कैसे पता चला कि इसने पैसे उधार मांगे? मुझे रिया ने बताया। नहीं दादी, रिया तो मुझे बता नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसे काफी सारी कसमें दी अपनी, तो जाकर उसने मुझे बताया। हाँ, मैंने पैसे मांगे पर उधार नहीं मांगे। बंटी दी ने मुझे और दो ऑर्डर दिलवाए थे, उसी के पैसे मांगे थे। जल्दी मांगे क्योंकि मैं बस मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी, पर उधार नहीं मांगे, अपने कमाई के पैसे मांगे। भैया आप, आपको किसी ने कुछ कहा और आपने मान भी लिया। कम से कम मम्मी के दिए हुए संस्कारों में तो भरोसा किया होता, या फिर इन्होंने जो कहा उसमें पहले ये तो सोच लिया होता कि आपकी बहन ऐसा कभी कुछ कर सकती है या नहीं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब पूछा तुझसे? हाँ, क्योंकि आपने मुझे दूसरा मौका दिया ही नहीं। आप भी मुझे नहीं समझ पाए। मैंने पहले ही कहा था शिवम से कि कुछ भी करने से पहले बात कंफर्म करना जरूरी है। I'm sorry दादी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए सब किया। बंटी दी ने जब मुझे ऑर्डर दिलवाया तब मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि जैसे ही ऑर्डर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं उन्हीं पैसों से आप सबको सरप्राइज कर दूंगी। अब फिर तुम मुझे ही सरप्राइज मिल गया। इतना ही प्यार है दादी से, है इतना ही भरोसा है दादी से। तुम्हारी गलती ना है, हमारे प्यार दुलार में कमी रह गई होगी और क्या कह सकते हैं। गलती तुम्हारी ना ही बिट्टू रानी, तुमको सजा का दे? सजा तो हम अपने आप को देंगे। ये सब कुछ जो हुआ ना, हाँ उके लाने हम जिम्मेदार है। हमारे वजह से तमाशा हुआ, हम बराबर से प्यार ना ही दे सके, तुम्हें समझ नहीं सके। ऐसी बात ना है, आप कहे ऐसा बोल रही हो दादी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बिट्टू रानी। देखो, हम अपने बेटे का विश्वास तो जीत पाए, पर पोती पोतियों का विश्वास ही ना ही जीत पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमसे ऐसी छोटी छोटी बातें भी छुपाते फिरते तुम लोग। ये तो पकड़े थे अब्बा जी, कुछ भी माफी मांग। दादी प्लीज माफ कर दो मुझे। दादी प्लीज माफ कर दीजिए। तो बात मत कर, तो मुझे बात मत कर। लड़कों पे हाथ उठाने वाले से हम बात नहीं करते। तू जा, अभी से आई है ना, थक गई होगी। तू जा अपने कमरे में जा, आराम कर, रहे थक गई होगी। है बहुरिया ऑफिस आई, किसी ने पूछा उसको चाय के लिए पानी के लिए? है थक गई होगी बेचारी, जा तू आराम कर। क्या है कि ये ना हमारा घर का मामला है, हमारे परिवार का, ये हम निपटा लेंगे। तू जा, तू चिंता मत कर, तू
जा और आराम कर। पर एक बात कह देते हैं, यह ना कहा है कि कुचा ने कभी इधर की बात उधर सरकाई ना आई। इतने साल हो गए कुचा को घर में, पर कुचा के लाने कभी तमाशा ना ही हुआ ही घर में। पर ये नई पेड़ी तो हमारी समझ में ही नहीं आती है। आज सुबह काका सुनना पड़ा, अभी काका देखना पड़ा, पता नहीं क्या आगे काका देखना पड़ेगा। पापा जी, आपके ही बच्चे, आपकी बिटिया है, माफ कर दो ना पापा जी। नहीं दादी, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। रानी तो काहे माफ मांगे, सच कह रहे हम, सच कह रहे, तुम्हारी गलती ना है, ये हमारी गलती है कि हम तुम्हारा विश्वास ना ही जीत पाए। देखो ना कहा हो गया, ऐसे देखो तो हमने हाथ उठा लिया शिवम पे, इतना मारा झाड़ू से मारा है, पर क्या करे, हम समझते हैं कि गलती शिवम की भी ना ही, गलती बिटरानी तुम्हारी भी ना ही, गलती तुम्हारी भी ना ही बहुरिया, और गलती हमारी भी ना ही। हमने तो विश्वास किया सब पे,